क्या साहब सब मैं आपके सामने हो गए सौरा कुरबास वेलकम है मिस्टर जान पे। तो अभी हम जा रहे हैं रिच, उसके बाद जब हम एक्सप्लोर करेंगे फिर। इसकी कारीगरी देखो ब्रिटिशर्स के टाइम का है। देखने की किधर बता रहे हो आप? एक चीज़ देखो आप, बहुत ही खूबसूरत। अगर गूगल मैप्स पे देखते ना, गूगल मैप्स पे कौन सी जगह इसके पीछे सारा, इसके पीछे सारा मनाली है, रोहतांग वगैरह रोहतांग उस साइड ही पड़ता है वो। अच्छा, ये देखो ये लकड़ू जा रही है, कौन सा वाला? वो जो ऊपर ही दिख रहा है आपके। हम गए थे ना वहाँ पे, अभी जाने में। अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट। तो ये शिमला के इसके पीछे बता रहे हो आप, है ना? मनाली है ये पीछे, वो जो पहाड़ वो पीछे वाली। अच्छा, वो वाले पीछे वाले पीछे पीछे जो। अच्छा अच्छा, वो मनाली है। करंट सिचुएशन इज दैट के अभी जो है यही है मेन, मेरे ख्याल में ये रिज है ना, ये रिज है। अभी हम रिज पे हैं। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी किधर है? देखो सामने वो सामने महात्मा गांधी, और इधर ये अटल बिहारी वाजपेयी, सारे स्टैचू यहाँ पे हैं। और जनरल दौलत सिंह और सारे ही काउंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पीछे जो है चर्च गेट है, हर शिमला में आने वाला आदमी वो चर्च गेट ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, या नहीं? यहीं सब ज़्यादा भीड़ रहती है। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेस्ट, और व्यू आप देखो, व्यू इन्जॉय करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और जनाब हमें बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू दिखा रहे हैं आजकल। ओहो, ये व्यू देखो और फील करना है ये चीज़। अपना चर्च और ऊपर हनुमान जी, ये सब लोग फोटोग्राफर लोग। बड़े ही अच्छे खास गांधी जी खड़े हैं, नज़ारे देखते हैं पूरे दबा करके, पूरे नज़र रख के बैठे हैं, पूरे रीच पे नज़र रख के बैठे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देख रहा है, क्या है, कैसा है। ये इंदिरा गांधी जी हैं जी। जनाब लवीना की सॉफ्टी, थैंक यू सो मच। तो जनाब ने लवीना की सॉफ्टी दिलाई है, खा के देख लेते हैं, बिस्किट खा लो पहले। अच्छी है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेस्ट। तो सबसे अच्छा स्पॉट ये मेरे ख्याल में यहाँ पे एंजॉय करना है, और काफ़ी अच्छा चीज़ है अगर लेने आ जाओ। कि इसका क्रेडिट जो है ये मुझे नहीं जाता, सारा पूर हो जाता है। कौन नहीं देखो, वो चर्च गेट अगर है वो वहाँ पे आओ, ठीक है? वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, वहाँ तो ना जाओ, तो सबसे पहले इधर आओ, यहाँ पे एक खाली स्पॉट मिल जाएगा, यहाँ पे व्यू का मज़ा लगाओ। शिमला आए और क्राइस्ट चर्च ना आए, तो शिमला आए ही नहीं ना, सही है। तो हर कोई आने वाला, शिमला आने वाला यहाँ पे ज़रूर फ़ोटो लेता है, तो हम भी लेंगे। लोकल भी आते हैं, काफ़ी आते हैं, आगे बैठते हैं। आप देखो इसको फ्लिप करता हूँ, ये देखो आप यहाँ बैठे हैं सब, और ये अपना ये लाइब्रेरी है, काफ़ी अच्छी। और अभी हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से पूरा आपको पूरे रिज का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से इधर का। तो
तो जनाबे वाली हमारा फ़ोटो ले लें और फिर हम उस पर इंस्टा पे पोस्ट करेंगे। और अगर आपको वहाँ पे लाइक की भरमान करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए UBAIS ABRAR। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। अंदर का हम कोई जगह अंदर जा सकता है ना? अंदर अभी पता नहीं, अगर गेट ओपन होगा तो जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि गेट इसका क्लोज रहता है। जनाब ऐसा सबसे अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे आपने बैठ के धूप देखो। रिटायरमेंट के बाद शिमला के लोग यहीं होते हैं। यहाँ पे आएंगे, कॉफ़ी होगी। ये देखो बंद है गेट, वही बोल रहा हूँ। मेरा मानना यह है जनाब कि एक प्लेटफॉर्म पकड़ो उसी पे डालो जनाब। अब मेरा है मैं पहले यही यूट्यूब पे डालूँ, यही फिर इंस्टाग्राम पे खोल के डालूँ, तो भाई अपने को तो यूट्यूब पे डालना है और उसी पे मिलेगा सब कुछ आपको पढ़ने का। जाखू मंदिर अगर जाना है तो यहाँ से जाइए, चर्च गेट आइए, वहाँ से आइए और यहाँ से निकल जाइए जाखू मंदिर। ये टाइम दिया है, ये टाइमिंग है आपको कितने मिनट में कोई पहुँचे तो वो फिट है। अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। ओके, और मेरे दोस्त 30 मिनट में जाते हो तो एब्सोल्युटली फिट हो आप। 30 से 45 मिनट में फिट और 45 से 60 मिनट में नीड इम्प्रूवमेंट, और 60 मिनट से ऊपर लगे तो अनफिट। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है ना ये? अब एज ग्रुप इस पे तो मिट गया ना जनाब, पूरा एज ग्रुप। हम पहुंच जाते 20-25 मिनट में ऊपर। शिमला अथॉरिटी से बोलो कि ये थोड़ा बोर्ड सही कराएं ताकि आराम से सही बात है कोई देख सके, कोई देख सके और अपना आपको इम्प्रूव कर सके। क्यों, अगर आप कोई शिमला अथॉरिटी से देख रहा है या कोई शिमला में रहने वाला देख रहा है, एक तो पहले तो जनाब ही हैं, इसके अलावा भी कोई देख रहा है जो दिल्ली से हमारे दोस्त आते हैं वो आधे घंटे से पहले पहुँच जाते हैं। अच्छा, नहीं जो आपने ये चीज़ बताई, इस बोर्ड का कह रहा हूँ, मैंने कहा इस बोर्ड का मसला हल करो कुछ। ये गोलगप्पा पॉइंट है टका बेंच, और यहाँ से पूरा व्यू देखो आप। जनाब को हम आज गोलगप्पे खिलाएंगे, यहाँ के गोलगप्पे बड़े फेमस हैं, जनाब का कहना है? लो जनाब गोलगप्पे खाओ, खाओ खाओ, यहाँ रख लेते हैं आज वो ना। आप लोग भी खाइए, पहला गोलगप्पा उन्हीं के नाम है। तो इस जगह का नाम है टका बेंच। रिज पे आ रहे हो तो रिज पे ऊपर आ जाओ, ये वाला स्पॉट से आप फोटो लो, बहुत अच्छे फोटो आएंगे। और एक हैक बताता हूँ, ये जो जाल लगाया ना, ऐसे वाला जाल, इसके बीच में खड़े हो जाओ और एक फ़ोटो लेना। अक्सर लोग क्या करते हैं वो वहाँ खड़े होकर पीछे और पीछे का फ़ोटो ले लेते हैं, बट वो भी लो। उसके अलावा एक हैक भी है, ये भी आप स्क्वायर वाला, ये इसके बीच में खड़े हो जाना और यहाँ से एक फ़ोटो लेना तो बहुत अच्छा फ़ोटो आएगा। इंजन आपके फ़ोटो खींची हमने, बड़ा ही अच्छा फ़ोटो आया इनका। फ़ोटो की रेटिंग कितने दोगे आप? 5 में से 5 बढ़िया ना फोटो। फाइनली काफी अच्छे गोलगप्पे खाने के बाद, थोड़ी स्टफिंग कम की थी, कम के थे स्टफिंग बोल सकते हो आप। गोलगप्पे मिलते भरे हुए, राइडिंग की हॉर्स पार्क हुए, हॉर्स पार्किंग, हॉर्स राइडिंग के हॉर्स पार्किंग, हॉर्स पार्किंग। देखो रे जाओ अपने बच्चों को। हाँ देखो फोन पे लगा रखा है बंदे ने, घोड़े स्कैनर भी है क्या? डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेन 1875। पहले रिज पे थी ना दुकानें, हाँ हाँ हाँ, फिर डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसके बाद लोअर बाजार बना था। हाँ ये देखो गेट है सेंट्रल प्लाजा विच वाज लाइन बाय क्रिस्ट चर्च द ओल्ड टाउन हॉल। मतलब पहले यहाँ पे वो थी, वो जो यहाँ पे हम लोअर बाजार गए थे, जो आपने पिछली जो आपने पिछली वीडियो में देखा लोअर बाजार गए थे, वो जो शॉप थी वो सारी यहाँ पे थी और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना। 1875 में उसके बाद ये सेंट्रल बना दिया था इन्होंने, उसके बाद बस इन्होंने यहाँ पे चर्च रखा। हाँ और ये अपना टका बेंच, ये टका बेंच ये वाली बेंच है भाई। इस बेंच पर टका बेंच की हिस्ट्री तो दिखाई आपने, यहाँ पे जैसे आते थे ना। हाँ तो पैसे लिया करते थे बेंच पर बैठने के, ब्रिटिशर्स पैसे लेते थे। अच्छा जी, और उस टाइम होता था 1 टका, जैसे हम भी बोलते हैं कि तेरी वैल्यू है टका टका। हाँ हाँ हाँ, और वो टके की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा थी। देख रहे हो ये जो आप फ्री में बैठ के फोटो खींच पाते हो ना,
पहले भी रेटेशन में पैसे लिए थे। अच्छा कोई भी आए उससे पैसे लेते थे तो आपने वो चर्च वगैरह देख लिया, ये टका पेंच है और यहाँ से हम इधर जाखू मंदिर जाते हैं उधर, और ये नीचे अपना लक्कड़ बाजार। जनाब हमारे लक्कड़ बाजार हमें लेके जा रहे हैं, सारा ही वुडन मिलेगा यहाँ पे। और एक से एक चीज़, अगर आप भी इस बात से एग्री कर दो, मेरा ये मानना है कि मोस्टली लोग अक्सर क्या है कि चश्मे वगैरह ग्लासेस वगैरह लगा के अपना ये है कि शहर को एक्सप्लोर करते हैं। मेरा मानना यह है कि रियल आई से देखो तो वो ज़्यादा अच्छा। ये पूरा अपना लक्कड़ बाजार है, आई लव शिमला, गिफ्ट फ्रॉम शिमला, ये क्या है मेरा। शिमला ये क्या है, राइड विद प्राइड, कहाँ ले जाएगी? जैसे शिमला से किसी ने माल रोड आना हो ना और वो ओल्ड एज या कुछ हो। अच्छा इनके अच्छा लिए चल रही है स्पेशल, इन दिनों चल रही है कि वो 12 मंथ चलती है? तो चलती है, फाइनल हो गई। ये देखो ये है लक्कड़ बाजार। तो ये पूरा अपना लक्कड़ बाजार है इधर, काफ़ी अच्छा काफ़ी बेस्ट, सारा ही सामान यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो फर्स्ट टाइम आ रहे हो कोई तो ले सकता है यहाँ पे। हाँ। कोई लकड़ी का शौकीन है तो वो ले ले यहाँ से, ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ अच्छी है, वो चीज़ मैंने देखी है। हाँ। वो सही लग रही है, क्यूट लग रहा है ना, ले लो इसकी फ़ोटो। नहीं अलाउ है, दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन ₹400, कपड़ों से रुए काटने की मशीन 400। मतलब लाइक स्टेपलर है ना। और देखो फिनिशिंग, जना फिनिशिंग देखो इसकी, कपड़ा निकालना। अच्छा खींच के निकल लेगा, काट के निकाल दो, खींच के निकाल दो। फिनिशिंग तो अच्छी आ रही है, वो तो जैसी सिलाई चाहिए वैसी आ जाएगी, मोटा करना मोटी कर लो, पतला जैसी सिलाई चाहिए वैसी होगी। क्या एक दिखा तुम्हें आपको चीज़, अरे आ धूप लग रही है। क्या जनाब ने हमारे फोटो खींचे, देखो। अरे मैं टैप कर दूंगा ना, यहाँ देख लो आप, मुझे व्हाट्सअप कर देना है। तो आज हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, सबसे पहले हम गए थे कालीबाड़ी टेम्पल जिसके ज़रिए नाम रखा गया शिमला, उसके बाद हम गए थे लोअर बाज़ार क्योंकि हमें मॉस जाना था। यहीं से आए थे, आए हम यहाँ से थे, मगर यहाँ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इतना नहीं चढ़ाएंगे आप। अच्छा अच्छा, लोअर बाज़ार के बाद ना क्राइस्ट चर्च, हाँ सॉरी माल रोड, उसके बाद क्राइस्ट चर्च, उसके बाद हमने टका बेंच, उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया है लक्कड़ बाज़ार। लक्कड़ बाज़ार, अब इन सारी चीज़ को एक्सप्लोर हमने क्यों किया है, वो ये हर एक की अपनी एक स्पेशलिटी है लकड़ी के। अगर आप शौकीन हो उसके टोल्स एंड टैकल्स, अगर आपको चाहिए कुछ लकड़ी का सामान, अगर आपके शौकीन हो तो आप लक्कड़ बाज़ार या गिफ्ट ले जाना हो तो यू कैन गो ऑन लक्कड़ बाज़ार, या फिर कुछ और चीज़ चाहिए, या अगर आप ऐसे शख्स हो जो आप दिल्ली से आ रहे हो तो आप लक्कड़ बाज़ार से चीज़ें लेके जा सकते हो, और अगर आप ऐसा शख्स हो जो सहारनपुर के नियर बाय रहते हो तो लकड़ी का सारा हब वहाँ पे है, तो वहाँ पे पता ही है। भाई के भी वहाँ पे हैं, हमारे भी जानने वाले वहाँ पे हैं, और ये चीज़ है। एंड आई होप के ये हॉर्स पार्किंग, देखो पार्किंग बहुत देखें यार, हॉर्स पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त है, ये देखो लाइन से भी तो सारे खड़े हैं। ये हमारे थ्री इडियट्स वाले अंकल, थ्री इडियट्स वाले अंकल, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही बताया था कि वो जो है रेंचो का घर कहाँ पे है। अगर नहीं देखा तो थ्री इडियट्स देख लेना, सबने देखी होगी यार, ऐसी तो बात है ही नहीं, है ना। फिल्म जा रहे हैं घर, ये पीछे रहा अपना चर्च, पूरा देख लिया है, एक्सप्लोर कर लिया, जनाब ने पूरी अच्छी तरीके से हमें घुमा दिया है। और आई होप के आपको भी ब्लॉग जो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर इस ब्लॉग का जो लाइक का कलर है वो कर दीजिए कन्वर्ट फ्रॉम ब्लैक टू ब्लू, और कमेंट करके बताइए नीचे कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्या और आप शिमला में देखना चाहते हैं।
या फिर अगर आप शिमला में रहते हैं तो, या फिर आप शिमला से बाहर रहते हैं, शिमला की कोई एक जगह जो आपको देखनी है कि आप वो चीज़ दिखाओ, तो हम, ये जनाब हमारे हैं, ये जनाब हमारी हेल्प करेंगे, प्राउड टू बी ए वोटर, तो वो चीज़ें हैं। तो बस यही तक था वीडियो, एंड फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हम कहीं और लेके चलेंगे, कहीं और बताएंगे क्या चीज़ें हैं, क्या है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, चलती हैं। तो एट द एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।